आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। परमात्मा इस संसार के अंदर जीव को कल्याण के लिए, इस आत्मा की चढ़ाई के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए, स्वयं की खोज के लिए, उस अनंत तक पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग खोलता रहता है। और जीवन निरंतर बहता रहता है नदी की तरह से, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से नदी के ऊपर पुल बना दिया जाता है, मकान बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं, बांध बना दिए जाते हैं, सब कुछ तैयार होने के बाद काल के अधीन हो जाता है। और जब वो तैयार होता है, चाहे प्रकृति हो चाहे शरीर हो चाहे कुछ भी इस संसार के अंदर जो आप इन आँखों से देख रहे, और कुछ वस्तुएं जो आपको इन आँखों से नहीं दिखाई देती, वो भी उसी समय नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक एक पल नष्ट क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है, और काल अपने अनुसार उन वस्तुओं को, उन जीवों को, उन शरीरों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जो इस काल की चाल को समझ लेता है, जो इस काल के नियम को समझ लेता है, क्योंकि काल भी परमात्मा ने ही बनाया है, माया भी परमात्मा ने बनाई है, जीव भी परमात्मा ने बनाए हैं, प्रकृति भी परमात्मा ने बनाई है, तो सब कुछ उसके अधीन चलता है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के नियम में रह करके सब कार्य होते हैं। उसके नियम के बिना कोई भी कार्य बाहर नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, ताकत की आजमाइश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके नियम से बाहर नहीं होता। तो वो अपना काम नियम से करता है, लेकिन ये जीव जिस कार्य के लिए इस धरा के ऊपर भेजा है, वो अपना कार्य भूल जाता है। भ्रम के कारण समझो, भूल के कारण समझो, और जो नींद में खोए हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, चाहे इस कारण समझो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लक्ष्य से ये जीव भटक जाता है, मार्ग से दूर होना शुरू होता है। कुछ लोग कर्म को कर्म से काटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता कि आप कोई एक बुरा कर्म कर दो, 100 अच्छे कर्म कर दो, वो कर्म नहीं कट सकता। आप इस प्रकार से समझो, जैसे आपका हाथ अग्नि के अंदर जल गया है, आप जलने के बाद उसके ऊपर एकदम से बर्फ़ डाल दो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो समय के अनुसार, उसी के अनुसार उस दवाई का प्रयोग होगा, तब उसमें आराम होगा। अगर बर्फ़ के अंदर हाथ गल जाए, पैर गल जाए, हम पहाड़ों के अंदर गए, वहाँ देखा कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, कितना संघर्षशील जीवन है। पैरों के अंदर बर्फ लग लग के जख्म हो जाते हैं, पैर गल जाते हैं, और बहुत
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन पैरों के अंदर जो बर्फ लग लग करके जख्म हो गए हैं उनके ऊपर अग्नि रख दी जाए या उनको सेका जाए, क्या वो स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से मानव के जो कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जो कर्म आगे आएगा उसी का भुगतान होगा। अगर अच्छा कर्म सामने आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म सामने आएगा तो दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई ये समझे कि एक दूसरे से ये कट जाएंगे, ये असंभव है और ये मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। ये कुछ लोग जो भ्रमित करने वाले हैं, जिनको कर्म की गति का ज्ञान नहीं है, कर्म के प्रभाव का ज्ञान नहीं है, कर्म का अनुभव नहीं है, कर्म की जानकारी नहीं है, वो मन घड़ंत बातें घड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन हम बिना भजन के और क्रिया जितने भी संसार के अंदर हैं उनके द्वारा इनको न काटा जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न कर्म को कमज़ोर किया जा सकता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ बार बार, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं केवल परमात्मा का नाम लेने से किस प्रकार से ठीक हो जाऊँगा, मैं केवल नाम से ये मेरे इतने बड़े रोग कैसे ठीक हो जाएंगे। ये नाम तो छोटा सा है और रोग मेरा इतना बड़ा है, इतना भयंकर रोग इस नाम से कैसे ठीक होगा? वो नाम की ताकत को नहीं जानते, नाम की ताकत का उनको अनुभव नहीं है। जिस प्रकार से बरगद का वृक्ष हो, उसका छोटा सा बीज अगर आपके हाथ के ऊपर रख दिया जाए और कहा जाए कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है, आप इसको देखो, कोई भी नहीं मानेगा, पागल बताएगा कि ये तो मूर्ख है, ये तो है ही नहीं, ये तो छोटा सा दाना मात्र है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, और इतना बड़ा वृक्ष कैसे हो सकता है ये। लेकिन अगर आप उसको ज़मीन के अंदर बीजोगे, उसको सींचोगे, वातावरण दोगे, रक्षा करोगे, प्रकृति के अनुसार जब वो बढ़ेगा, 10-20 वर्ष बाद जब आप उसको देखोगे वो एक विशाल रूप ले लेगा। उसी प्रकार से ये नाम है, ये नाम भक्ति का बीज जब आपके दिमाग के अंदर पड़ेगा तो आपके दिमाग के अंदर जो एनर्जी जागृत होगी, ये जो दिमाग है मानव का, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये भूमि है, बाग बगीचे हैं, खेत खलिहान हैं, उसी प्रकार से है। जैसा बीज हम बोते हैं उसी प्रकार की फसलें आनी शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे शुरू हो जाते हैं आने। कुछ बिना बोए हुए भी वो भी घास फूस उगने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये बुद्धि है, ये दिमाग है इंसान का, ये दिमाग स्थिर नहीं रहता, इसके अंदर 73% तक तो पानी होता है, तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, 1300 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक का होता है। यही खेल है बस सारा। इसको ये नहीं पता होता कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार बुरे हैं, बस इसका काम ग्रहण करने का है, ग्रहण करता रहता है, खींचता रहता है। जिस प्रकार से इस संसार के अंदर जहां आप नज़र दौड़ाओगे, जो कुछ आप पढ़ोगे, जो कुछ आप सुनोगे, आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों से ये दिमाग के अंदर वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं जा करके, और जब ये वस्तुएं इकट्ठी होती हैं ये 80% व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जिनको हम संभाल करके रखते हैं। बहुत से लोग जब अनुभव करोगे तो पता चलेगा हम
80% जो चीज़ें हैं जो पीछे हमने कर्म किए हैं उनके बारे में, आने वाला जो भविष्य है उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये 80% जो नकारात्मक विचार जो इकट्ठा होते हैं हम उनको सींचते रहते हैं जो हम सुनते हैं। इसी कारण से आपके चारों तरफ का जो माहौल होता है, चारों तरफ का जो घेरा होता है, चारों तरफ के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर समय वही थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। इंसान का दिमाग एक दिन में 70,000 से 80,000 तक विचार करता रहता है, संकल्प करता रहता है। इतने शब्द अंदर में चले जाते हैं, हम उनको हटाते नहीं हैं, बस स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। और ये ऐसी भी स्टोरेज नहीं है जैसे कंप्यूटर की होती है, हार्डवेयर की होती है, सॉफ्टवेयर की होती है कि ये बंद हो जाए, समाप्त तो हो जाए। ये एक ऐसा कंप्यूटर भी नाम नहीं दे सकते हम इसको, क्योंकि वो भी बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। मानव ने आज तक ऐसी कोई रचना नहीं की है जिसका उदाहरण दिया जा सके, क्योंकि ये बस छोटा सा बुद्धि इतना प्रभावित होता है कि जिस प्रकार से इस पूरी प्रकृति को आप देखो, पूरा दिन कितने विचार करते रहते हो, कितना देखते हो, कितना सोचते हो, कितना महसूस करते हो। हर रोज़ अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की प्रकृति, नई खोज, पढ़ना, घटनाएं, समाज, संसार, पर जो भी आप देख सको, समझ सको, जो आज तक आपने अनुभव किया, यही नहीं पिछले जन्मों की बहुत सी घटनाएं भी सेव मेमोरी के अंदर पड़ी रहती हैं। मैं देखता हूं कुछ जीव जो पिछले जन्म के कारण से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बार बार उनको वो चीज़ें घटनाएं दिखाई देती हैं। अगर सब की सब मिट गई होती, कोई कर्म शेष न रहता, कर्म का प्रभाव इस शरीर और जीवन के ऊपर नहीं रहता, तो वो घटनाएं आपको महसूस नहीं होती और न ही इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती, न अनुभव होती और न इस जीवन के ऊपर उनका प्रभाव होता, क्योंकि सब के सब मानवों का जीवन कर्म के ऊपर आधारित होता है, कर्म के द्वारा बनाया जाता है, कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कर्म के अनुसार मानव का शरीर चलता है। जिस दिन कर्म समाप्त हो जाते हैं उसी दिन मानव ये शरीर छोड़ करके चला जाता है। तो ये छोटी सी जो बुद्धि होती है, दिमाग होते हैं, ये हृदय के द्वारा साइंस ने भी ये खोज कर ली है कि जब शांत एक कमरे में बिना आवाज के कमरे के अंदर मानव को रोक दिया जाए तो खून जो नाड़ियों के अंदर चल रहा है, नसों के अंदर चल रहा है, उसकी आवाज़ तक सुनाई देने लगती है। ये तो साइंस की खोज है, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है। तो ये जो हृदय के अंदर जो पंपिंग हो रही है खून की, और ये पूरे शरीर के अंदर खून चल रहा है, ये वाइब्रेशन दिमाग तक जाती है, ये दिमाग तक वाइब्रेशन जा करके दिमाग को प्रभावित करती है, इसी से सारा खेल चलता है। और दिमाग किसी का भी स्थिर नहीं है। जब आप छोटे बच्चे को देखोगे, इधर हिलाओगे, आवाज़ सी आएगी हल्की सी, जैसे कुछ इधर गया हो, फिर इधर हिलाओगे तो पता चलेगा कुछ हिला है सिर के अंदर। वो मानव मस्तिष्क है जो स्थिर नहीं होता, हिलता रहता है। उसके ऊपर एक परत होती है, तीन परतों के मध्य में वो स्थिर होता है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, दाईं तरफ की, बाईं तरफ की। ये सारा खेल संरचनाएं परमात्मा ने इतनी गहराई से रच दी है कि मानव बहुत मुश्किल से समझता है।
क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग केवल मात्र ताड़ी बजाते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं और रहस्य को न समझ करके, न समझा करके जीवों को ऐसे ही भ्रमित और भटकाते रहते हैं। न उन्हें उस परम तत्व का पता होता, न शरीर की रचना का पता होता, न धर्म का पता होता, न ब्रह्म का पता होता, न तत्व का पता होता, न आत्मा का ज्ञान होता। वो लोग वहाँ तक न समय पहुँचे होते, न आपको ले करके जा सकते हैं। लेकिन मीठी मीठी बातों से, इधर उधर के अवतारों की कथाएं सुनाने से और छोटी मोटी सेवाएं करने से और मूर्तियों की पूजा करने से आप वहां नहीं जा सकते। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार समझाता हूं, प्रयास करते हैं कि आप उस मार्ग पर चलें जो संतों का मार्ग है, जो सिद्धों का मार्ग है, जो आपको परमात्मा तक ले करके जाएगा। आप बीच में न रुके, कल्याण हुए बिना, परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना, मोक्ष की प्राप्ति हुए बिना अगर आप बीच में रुक गए या शरीर छूट गया या आपने ध्यान और सुमरण छोड़ दिया या आप जिस क्रिया में लगे हुए थे वो रोक दी, आपको वहीं रोक लिया जाएगा। आगे की स्थिति नहीं बढ़ पाओगे और फिर अगला जन्म निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। फिर आप इसी प्रकार से संसार में आओगे, भटकोगे, फिर चक्कर लगाओगे और फिर अगर भजन नहीं हुआ फिर निकल जाओगे। जीवन मृत्यु कर्म का कष्ट चलता रहेगा, जीव सहता रहेगा और परेशानियां आपको आती रहेंगी। न शरीर साथ देगा, न परिवार साथ देगा और आप सोचते हो कि परमात्मा हमारा बुरा कर रहा है, हमने ऐसा क्या गलत किया है कि परमात्मा हमारे पीछे लगा हुआ है। बहुत लोगों ने ये सवाल किया मेरे से, करते भी रहते हैं। परमात्मा न किसी का अच्छा सोचता है, परमात्मा न किसी का बुरा सोचता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियां हैं और एक एक योनि के अंदर अरबों अरबों जीव हैं। वो अरबों अरबों जीव आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए, इस धरा के ऊपर 800 करोड़ तो मानव हैं और कितने जीव होंगे। जितने आप ये मच्छर अपने आँखों से देखे होंगे, कितने करोड़ों करोड़ हर रोज़ मार दिए जाते हैं। आप इसी बात से सोचिए, कितने वृक्ष जंगलों के अंदर जा करके देखोगे आप तो पता चल जाएगा कितने कितने प्राणी पृथ्वी के ऊपर हैं। अंदाजे से बाहर की बात होती है, लेकिन वहाँ प्रत्येक जीव की गिनती होती है, प्रत्येक जीव का रिकॉर्ड होता है। उसमें परमात्मा कोई छेड़छाड़ नहीं करता, जीव कर्म के अनुसार चलता है, भाव के अनुसार बढ़ता है, भक्ति के अनुसार चढ़ता है। जब जीव बार बार ये भक्ति का बीज अगर दिमाग के अंदर पैदा करेगा और बीज बोएगा तो पता चल जाएगा कहाँ पहुँचना है, किस प्रकार से उठना है, कौन सा हमारा रास्ता है, क्या हमारी मंजिल है। जब आप संतों को देखोगे एहसास हो जाएगा, संतों के नज़दीक जाओगे पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या पाया है, हमने क्या खो दिया। बहुत से बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं इन वस्तुओं को जो मैं बोल रहा हूँ, इन बातों को, कि हमने व्यर्थ ही जीवन गवा दिया, संसार के अंदर खो करके, विषय वासनाओं के अंदर खो करके, काम क्रोध के अंदर खो करके हमें कुछ नहीं मिला। अगर कुछ धन इकट्ठा कर लिया तो क्या इकट्ठा कर लिया, संतान की प्राप्ति कर ली तो क्या प्राप्त कर लिया, अगर छोटे मोटे जमीन के टुकड़े इकट्ठे कर लिए तो क्या इकट्ठा कर लिया। क्योंकि संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा,
ये निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। एक न एक दिन समय आएगा और निकल जाएगा ये जीव। बस पीछे कुछ देर रोने वाले रहेंगे, फिर उसको भूल जाएंगे। क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि 8-10 पीढ़ी पहले कौन था, कैसा था, कौन हमारे पूर्वज थे, कैसे थे, क्या करते थे, क्या नाम थे उनके, कहाँ हम रहते थे। लेकिन आने वाली जब 8-10 पीढ़ी होंगी, आपको भी भुला दिया जाएगा, जिसके लिए आप संचय करते हो, सब कुछ इकट्ठा करते हो, हाथ पैर मार करके, झूठ सच बोल करके इतना सब कुछ संग्रह किया। लेकिन हासिल क्या हुआ? एक न एक दिन ये शरीर शमशान के अंदर जला दिया जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो तत्व है, एक एक करके ये शरीर के अंदर निकलते रहते हैं। जब मृत्यु होती है, सबसे पहले जो छोड़ता है वो वायु तत्व छोड़ देता है। जब वायु तत्व छोड़ देता है, उसके बाद आप देखोगे कि एकदम से श्वास गायब हो गया। श्वास निकला तो पता चला कि हाँ, प्राण ऊर्जा चली गई, ये तो शरीर छोड़ करके चला गया। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे वो जल सूख जाता है। जल सूखने के बाद फिर जो बचे हुए 3 तत्व होते हैं, वो भी धीरे धीरे निकल करके समाप्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो अग्नि तत्व है, वो शांत हो जाता है। क्योंकि जल तत्व सूखने के बाद अग्नि तत्व क्या बचता है? कुछ भी शेष नहीं बचता। फिर जो मिट्टी तत्व होता है, वो समाप्त हो जाता है। आकाश तत्व है, वो आकाश में मिल जाता है। सब के सब तत्व अपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर मिल जाते हैं, अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं। शेष रहता है सूक्ष्म शरीर। लेकिन बिना भजन के सूक्ष्म शरीर भटकते रहते हैं। भजन किया तो सूक्ष्म शरीर की परम गति होती है, वो कारण में चला जाता है। लेकिन उसके बिना देवता भी बना दिए जाते हैं, प्रेत योनि में भी चले जाते हैं, पितर योनि में भी चले जाते हैं। कुछ लोग पितरों की पूजा करके ही संतुष्ट रहते हैं कि बस हमें तो मिल गया परमात्मा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये रास्ता नहीं है। उन्होंने जो पाया, वो बेचारे खुद फंसे हुए हैं, वो खुद बेचारे जीवन मुक्त नहीं हैं। वो स्वयं ये चाहते हैं हमारे वंश में कोई इतना भजन करने वाला पैदा हो, साधना करने वाला पैदा हो, कि जीव को उठा करके और उस परम तत्व तक ले करके जाए और हमारी भी गति हो जाए, इस योनि से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन हम इन बातों को ना समझ करके इन्हीं वस्तुओं के अंदर, संसारी चीज़ों के अंदर अटके और भटकते रहते हैं। फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता और खाली हाथ झाड़ करके ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर के दरबार में हिसाब होता है, तो अंदाजा प्रत्येक मानव को, प्रत्येक जीव को लग जाता है कि हमें नीचे जा कर के भजन करना पड़ेगा, तब यहाँ कुछ प्राप्ति होगी, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, तभी हमारी यहाँ सुनाई होगी। गुरु के बिना यहाँ कोई गवाह नहीं हो सकता, कोई साथी नहीं हो सकता। और बिना साथी के आप कितना भी भागते रहो, चढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वहाँ चढ़ाई करनी पड़ेगी। इस संसार के अंदर जो देख रहे हैं, जो हमने देखा, आप लोग भी देख रहे हैं, पहाड़ों के अंदर चढ़ चढ़ करके प्रयास करते हैं मंदिरों तक पहुँचने का, कि भाग दौड़ हुई, श्वास चढ़े, थक गए, फिर रुके, फिर उठे, फिर चढ़े। लेकिन वहाँ ये नहीं देखते कि हम क्या लेने के लिए आए हैं। हजारों हजार लोग चढ़ाई कर रहे हैं, हजारों लोग वहाँ चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, मंदिरों में बैठ करके पूजाएं चल रही हैं, लेकिन एक भी जीव का
कल्याण नहीं हुआ। हमने नहीं सुना कि कोई जीव वहाँ बैठ करके परमात्मा की प्राप्ति को पा गया हो, वहाँ चढ़ करके जीवन मुक्त हो गया हो बिना साधना के। अगर किसी ने साधना की है तो वो चाहे कहीं भी हो, चाहे घर हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मंदिरों में हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ प्राप्ति कर ही लेगा और वहाँ प्राप्ति हो जाएगी। ये नियम है, कोई नहीं बदल सकता इस नियम को, न आप बदल सकते, न हम बदल सकते, न हमारे पुराने संत बदल पाए, न आने वाले बदल पाएंगे। कोई भी कैसा भी हो नहीं बदल सकता इस नियम को। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शारीरिक मेहनत की शारीरिक प्राप्ति ही होगी। अगर मानसिक मेहनत करोगे, मन को काबू में करोगे, विचारों को काबू में करोगे और प्रत्येक शब्द का ध्यान रखोगे कि हमारे अंदर क्या जा रहा है, बुद्धि में क्या जा रहा है, कहीं इधर उधर की चीज़ें तो ना घुस गई, कहीं अंदर में नेगेटिव थॉट्स तो ना घुस गए, कहीं वासनात्मक विचार तो ना घुस गए, कहीं संसार की बातें तो ना घुस गई। हमें क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, कितना समय उस साधना के ऊपर लगाना है, कितना सावधान रहना है, किस प्रकार से हमें साधना करनी है। बहुत से लोग साधना को नहीं समझ पा रहे कि साधना कैसे करनी है। मैं बार बार प्रयत्न करता हूँ आप लोगों को समझाने का। कुछ लोग समझ करके भी उन चीज़ों से भाग रहे हैं। वो समझते हैं कि ये भी चलता रहेगा और साथ साथ में संसार भी हो जाए और ये बाहरी क्रियाएं जो हम करेंगे इनसे और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो स्पीड होगी, जो साधना होगी, वो आपके सांस के द्वारा होगी, ध्यान के द्वारा होगी, नाम के द्वारा होगी, चक्रों की ऊर्जा जो जागृत होती है उसके द्वारा होगी। इस संसार के अंदर हमारे सिद्धों ने बहुत से जो चीज़ें खोज की वो चलाई, लेकिन वो चीज़ें रिवाज बन गई। जिस प्रकार से तिलक ये आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से लगाया जाता है। कुछ चंदन के द्वारा लगाते हैं, कुछ जल के छींटे मार करके लगाते हैं, हल्दी का लगाते हैं, कुमकुम का लगाते हैं और भस्म का भी लगाते हैं। कोई एक तिलक लगाता है, कोई तीन धारियां बनाता है, कोई गोल गोल सा बनाता है, कोई मस्तिष्क पर और बाजुओं के ऊपर लगाता है, कोई 12 अंगों के ऊपर लगाता है, कोई 17 अंगों के ऊपर लगाता है, कोई पूर्ण भस्म का लेप करता है। ये अलग अलग प्रकार की साधनाएं सिखाने के लिए हमारे संतों ने, ये बताने के लिए कि ये आज्ञा चक्र है, यहाँ जागृति होगी, ये सेंसेशन है, ये पॉइंट है, ये एयरपोर्ट है वहाँ जाने के लिए, ये समझाने के लिए किया। लेकिन ये तो समझ नहीं पाए और बस रीस करते चले गए, एक के पीछे एक दौड़ते चले गए। न तिलक लगाने वालों को पता है क्यों लगा रहे हैं, न तिलक लगवाने वालों को पता है क्यों लगा रहे हैं। ये रिवाज बन गई और इस रिवाज के पीछे का जो हमारे सिद्धों ने कारण खोज किया था, उस कारण को हम समझ नहीं पाए। इसी प्रकार से मंदिरों में हमने देखा पंचामृत बनाया जाता है। आजकल तो चल रहा है मूर्तियों के ऊपर डिब्बे से पानी डालो या नल से पानी चला दो और चल रहा है, लोग भाग भाग करके उसको पी रहे हैं कि चरणामृत मिल गया, और उसको पात्रों में भर भर के घर ला रहे हैं कि चरणामृत मिल गया, बस अब और कोई ज़रूरत नहीं, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा घर बहुत अच्छा हो जाएगा, चरणामृत हाथ लग गया। ये चरणामृत बनाने का तरीका नहीं है। ये चरणामृत क्यों बनाया जाता है? किसी भी रूप में इस संसार के अंदर जितने भी सिद्ध हुए, महापुरुष हुए,
जितने भी संत हुए सब ने एक कल्पना की कि परमात्मा पुरुष रूप में है, चाहे कबीर दास जी हुए, चाहे नित्यानंद जी हुए, सूरदास जी हुए, चाहे नानक जी हुए, चाहे हमारे अवतार हुए, जितने भी सिद्ध साधक संत अवतार किसी भी धर्म के अंदर हों, सबसे बड़ी बात है ये, मैं बहुत बार सोचता भी हूँ इसके ऊपर कि ये कल्पना परमात्मा पुरुष ही क्यों हो सकता है, स्त्री क्यों नहीं हो सकता। ये बड़े गहरे खोज के विषय हैं, कुछ लोगों ने खोज भी की इनके ऊपर, कुछ ने बोला भी, लेकिन लोग सुन और सहन नहीं कर पाए इन चीज़ों को, क्योंकि परमात्मा जितने भी हमारे अवतार हुए सबके सब अवतार, दसों के दस अवतार पुरुष रूप में दिखा दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं हम पुरुष को समाज में भी श्रेष्ठ मानते हैं और ऊपर भी श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए परमात्मा को पुरुष का दर्जा दे दिया गया, चाहे अकाल पुरुष के रूप में, चाहे परम पुरुष के रूप में, चाहे पूर्ण पुरुष के रूप में, चाहे परमात्मा पुरुष के रूप में, सबने यही बोला है। तो वो पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया, तो पुरुष के रूप में अगर स्थापित हो गया तो फिर उनकी मूर्तियाँ भी पुरुष की तरह से ही बनेंगी, उनकी मूर्तियाँ भी उसी प्रकार से बना दी गई। मानव के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रवाहित करने वाली चीज़ें होती हैं वो दो जगह, एक तो हाथ का अंगूठा होता है, एक पैर का अंगूठा होता है, ये दोनों जगह से एनर्जी बहती रहती है। इस कारण से चरण अमृत बनाने का प्रयास किया गया, श्याम को पांच प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करके, गुड़ शहद घी जल, पांच प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करके वो सामग्री और तुलसी पत्र उसमें डाल दिया जाता था। सुबह उसको ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पानी छिड़क दिया, बाहर बह के आ गया मंदिर से, मिल गया चरणामृत, मूर्ति के उसमें पैर डाले जाते थे और ये माना जाता था कि ये जागृत मूर्ति है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। प्राण प्रतिष्ठा के कारण से वैसे किसी की औकात नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर कि मूर्ति के अंदर उस परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर सके या प्राण प्रविष्टा कर सके, लेकिन बस बोलने मात्र की बात है, मान लेने मात्र की बात है, कह देने मात्र की बात है, अपने मन को समझा लेने मात्र की बात है। तो वो उसको एक प्रकार से ये दिखाया गया कि इसके अंदर से एनर्जी निकल के आती है, उस एनर्जी को ग्रहण करोगे, वो जो पदार्थ इकट्ठे करके शाम को रखे जाते थे वो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करते थे, इस कारण से उनको ग्रहण किया जाता था, बांटा जाता था ताकि वातावरण पवित्र रहे, वो कुछ ही सामान बनाया जाता था। आज की तरह से नहीं कि बाहर एक टूटी लगा दी जाए और अंदर से जल डालना शुरू किया जाए, जिसको चरणामृत चाहिए छक्कर के ले लो, ये चरणामृत नहीं है भाई, ये खेल है बस आपके मन को संतुष्ट करने का, मन से खेलने का, भावनाओं से खेलने का। इन लोगों को आपकी भावना से अच्छी तरह से खेलना आ गया और पता चल गया मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानव क्या सोचता है, मानव क्या करता है, मानव क्या चाहता है, मानव कैसे संतुष्ट होगा, मानव के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करनी चाहिए, किस प्रकार से माइंड वॉश करना चाहिए, बस इतना सा खेल है। लेकिन बिना भजन के इन चीज़ों से कोई भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता,
कोई अपने आप को ये मान ले कि मैं तो सिद्ध हूँ, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो लोग भ्रम के अंदर हैं। कुछ लोग मैंने देखा बहुत साल हो गए साधना करते हुए, अपने आप को बोलते हैं मैं सिद्धों की श्रेणी में हूँ, सिद्धियों की प्राप्ति हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा मुझे साक्षात प्रकट हो करके जवाब देते हैं, लेकिन वो इतने भ्रम के अंदर फंसे हुए हैं कि जो साधारण लोग हैं उनसे भी ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि उनके जो सवाल और जवाब होते हैं उनका जो परमात्मा होता है वो मन से पैदा कर लिया गया होता है, भ्रम से पैदा कर लिया गया होता है। आप ये समझना कि आपके मन के अनुसार अगर कोई रूप है आपको दिखाई दे रहा है, चाहे किसी देवता का हो, चाहे पितर का हो, गंधर्व का हो, देवादि देव का हो, या आपके इष्ट का हो, या आपने जिसको परमात्मा मान लिया उसका हो, या गुरु का हो, अगर आपने अपने अनुसार उसको मान लिया, ऐसे हाथ होंगे, ऐसे पैर होंगे, ऐसा जीवन होगा, ऐसे बोलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे बातें करेंगे, ऐसे एहसास कराएंगे, ऐसे सपने में दिखेंगे, ऐसे साक्षात में दिखेंगे, ऐसे ध्यान में दिखेंगे, ऐसे सुमरण में दिखेंगे, ऐसा उनका रूप है, ऐसा तेज है, ये जवाब देंगे, मैं ये सवाल करूँगा। ये बहुत गहरे रहस्य की बातें हैं, जब आप इनको खोजोगे सवाल शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आध्यात्म बहुत लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्म के गुरु हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इस संसार के अंदर बहुत ही कम हैं। धर्म गुरु बहुत मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे, आध्यात्म को जानने वाले इस धरती के ऊपर बिल्कुल गिनती के जीव हैं, और वो जीव नहीं, वो उस परमात्मा तक पहुँच गए हैं और उनको उस परमात्मा ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। वो उनके रहस्य को खोल खोल करके बोलते रहते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होने लगे, आपको ये महसूस होने लगे कि हाँ मेरे सामने देवता हैं या कोई रूप आया है, मेरे मन के अनुसार वो जवाब दे रहा है, जो मुझे जवाब चाहिए उसका उत्तर मिल रहा है, वो आपका भ्रम है। इस भ्रम के जाल को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो यही चक्कर काटते हुए फिर वहीं पहुंच जाओगे। अगर आप इसको सत्य मान लोगे, अगर आप इसको परमात्मा की कृपा मान लोगे, अगर आप इसको उस अपने इष्ट की कृपा मान लोगे, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है। अगर आपको इस भ्रम जाल से निकलना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप इस ये समझने लगो कि मेरे तो गुरु साक्षात हृदय में प्रकट हो गए और आदेश देने लगे, वो आदेश नहीं आ रहा, वो आपकी मन की कल्पनाएं चल रही हैं, मन का भ्रम जाल है, मन के भ्रम जाल से ही आप खुद ही प्रसन्न करते हो, खुद ही गुरु के रूप में उत्तर देते हो, खुद ही उसका अपने मन के अनुसार चीज़ों को चलाने का प्रयास करते हो, वहाँ न धर्म बचेगा, न ज्ञान बचेगा, न ध्यान बचेगा, न सुमरण हो पाएगा, क्योंकि आप अपने मन के अनुसार शब्दों को ढालते चले जाओगे, जैसे आजकल के गुरु शास्त्रों को, संतों की वाणियों को, सिद्धों के शब्दों को अपने मन के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर करते रहते हैं, वही खेल आपके साथ शुरू हो जाएगा, और आप इसी भ्रम के अंदर भ्रमित हो करके उस परमात्मा के दरबार से दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, कल्पनाओं के सागर में भटक जाओगे, उसमें गोते लगाओगे और समझोगे मैं सिद्ध हो गया, साधना छूट जाएगी, ध्यान छूट जाएगा, दरबार से नाता टूटने लगेगा, और ये समझने लगोगे गुरु यही आदेश देने लगे हैं,
जब सामने बोलेंगे तो वो कुछ और ना बोल दें, मन के अनुसार अगर हमारा चलेगा तो सही है, क्या पता उनको जानकारी है नहीं है। मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैं उसके दरबार में पहुँच गया हूँ, मुझे दर्शन होने लगे, मुझे तो गुरु दिखाई देते हैं, अब मैं क्या करूँगा, गुरु के पास जा कर के गुरु कोई और आदेश ना दे दे, साधना की ना बोल दे, ध्यान की ना बोल दे, इस प्रकार के अहंकार पूर्ण जब शब्द आपके अंदर में उठने लगे तो सावधान हो जाइए। ये मार्ग रोकने के लिए आपको ब्रेकर बने हुए हैं और आप वहीं रोक लिए जाओगे और मन के अनुसार चलने लगोगे। मन के अनुसार कभी साधना नहीं हो सकती, मन को चाहिए मौज, और मौज आप अपने आप कराने लगोगे। आप बैठ करके पूछोगे आज गुरुजी साधना नहीं हो रही, अपना ही उत्तर आएगा, कोई नहीं सो जाओ कल कर लेना, आज तो बहुत हो गया। इस प्रकार से कुछ लोगों को परमात्मा का अनुभव दिखाई देने लगेगा कि सामने कन्हैया बैठे हैं, पालना मैं झुला रही हूँ और कन्हैया ने कहा कि मुझे भूख लगी है और भोजन बना दो। अरे साधना करो साधना, कन्हैया को आपके इस भोजन की आवश्यकता नहीं है, कान्हा इस सांसारिक वस्तुओं के भूखे नहीं है। वो आप उनको शरीर समझ ही क्यों रहे हो, आप ये क्यों नहीं समझते वो परम तत्व हैं, वो शरीर नहीं है। वो अगर आप उनको नूरी शरीर भी मान लो कि नूर का शरीर है, तेजवंत शरीर है, तेज का शरीर है, वहाँ भी इन सांसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आपके 56 भोग के भूखे नहीं हैं और 56 भोग से उनका पेट नहीं भरेगा। और आप उनके सोचो आप कितने बड़े हो गए, विचार कीजिए जरा कि आप परमात्मा को भोजन दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है। वो सारे संसार का पालन पोषण कर रहा है, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न और विनाश कर रहा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसने रच दिए, अनंत अनंत प्रकार के जीव जिसने रच दिए, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के शरीरों की रचनाएं कर दी, अलग अलग देवता उन्होंने रच दिए, अलग अलग प्रकार के सब जीवों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया, सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसको किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्त्र की, किसी भी सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं, क्या आप उन्हें इन रोटी के टुकड़े दे करके बहलाओगे, क्या आप उनको चांदी या स्वर्ण के पालने में झुला करके बहलाओगे। अरे किस दुनिया में जी रहे हो आप, ये साधना नहीं है, ये मात्र भ्रम है जिसको हम सत्य मान करके उसमें फंस गए हैं। ये हमारे संतों ने इसलिए प्रतीक बनाए थे मंदिरों के अंदर मूर्तियों के, कि हमें ये पता चले कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये इसलिए नहीं बनाए थे कि वहाँ पूजा करके उन्हें मान ले हाँ हम परमात्मा तक पहुँच गए और यही हमें पाना था, यही हमें प्राप्त हो गया। अगर केवल मात्र यही लक्ष्य है तो आप देखो मूर्तियों को गढ़ते हुए उनके ऊपर बैठ बैठ करके कैसे छेने हथौड़ा चलाते हैं कारीगर, कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर ग्राइंडर चलाए जाते हैं, किस प्रकार से मशीनों द्वारा उनके ऊपर कलाकारी की जाती है, कैसे उनके हाथ बनाए जाते हैं, कैसे पैर बनाए जाते हैं, कैसे उनकी रचनाएं की जाती हैं, और फिर जा करके उनको तैयार किया जाता है। और अगर इनसे होता कल्याण तो हमारे जो सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से साधना कर रहे हैं, उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत थी साधना करने की, क्या ज़रूरत थी यम नियम का पालन करने की, क्या ज़रूरत थी प्राण को साधने की, क्या ज़रूरत थी इस शरीर को साधने की, नाड़ी सोधने की,
श्वासों के ऊपर पकड़ करने की, भजन करने की, भक्ति करने की, सुमरण करने की क्या आवश्यकता थी उन्हें खोज करने की, जाते मंदिर में हाथ जोड़ते और मान लेते कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आप स्वयं भी ये इस बात से संतुष्ट नहीं हो, आप हाथ में लिए हुए हो कान्हा जी को और बोलते हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर भी आप जागते नहीं हो, आपको एहसास नहीं होता है जागने का, कि हमें ये नहीं पूछते कि रास्ता क्या है वहाँ जाने का, कोई एकदम से परमात्मा उतर करके कूद करके आपके सामने नहीं पहुँच जाएगा, या आप सोचो कि सपने में एक झलक मिल गई, कुछ दिख गया, कुछ वस्त्र वगैरह दिख गए, कोई पक्षी दिख गया या कोई और कल्पनाएं दिख गई तो आपका कल्याण हो गया, ये असंभव है। परमात्मा जब कोई जब आपको प्राप्ति होगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है हमारे संत उठाएं और दरबार के अंदर छोड़ दें, ऐसी स्थिति में तो नहीं पता चलेगा कहाँ को गुजर करके गए, कैसे पहुँचे, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या रास्ते में मिला, किसने रोका, किसने प्रणाम किया, किसने किस प्रकार युद्ध किया, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम चढ़ाई करेंगे, एक एक कमल हम चढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कितनी मेहनत की, कहाँ क्या स्थिति हुई, क्या घटनाएं हुई, किस कमल में कितनी ताकत है, किसकी कितनी वाइब्रेशंस है, किसकी कितनी सेंसेशंस है, किस में कितनी ऊर्जा है। जब ये चक्कर ऊपर चढ़ते हैं तब पता चलता है प्रत्येक स्थिति का, और ये सब के सब चक्कर जा करके आज्ञा चक्कर से टकराते हैं। जब आज्ञा चक्कर से टकराते हैं तो फिर आज्ञा चक्कर के साथ साथ सहस्त्र दल कमल भी खिलने लगता है, इसकी हजार पंखुड़ियाँ होती हैं 10 लाइनों के अंदर, एक लाइन के अंदर हजार पंखुड़ी नहीं होती, 10 लाइनें होती हैं परत दर परत, उनकी हजार पंखुड़ियाँ होती हैं, वो एक एक करके लाइन खुलती है तब जा करके ये सहस्त्र दल खिलता है। जब ये खिलता है समाधि लग जाती है, इसकी 500 पंखुड़ियाँ एक तरफ होती हैं मस्तिष्क के दाईं ओर, 500 पंखुड़ियाँ बाईं ओर होती हैं, ये दोनों जब मिल करके काम करती हैं, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो पूरे शरीर का ध्यान रखता है, पूरे शरीर को काबू करता है, पूरे शरीर के जितने संकल्प विकल्प होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, एक एक पल एक एक क्षण कहाँ कहीं भी जहाँ किसी भी प्रकार की घटना हुई क्रिया हुई वो सीधा दिमाग तक पहुंचा देता है। दूसरा जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो उसमें से वस्तुओं को उठाता है और पता करता है कि कैसे काम करना है, कैसे पता करना है, क्या शरीर में चल रहा है, कौन सा सही है, क्या गलत है। ये चीज़ें जब आप समझने लगोगे तो समझना आपने कुछ जानना और खोजना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर को ये बातें जा रही होंगी, क्योंकि मैं वो बातें नहीं कर रहा जो साधारण से साधारण जीव भी समझ सके, ये साधना की बातें हैं, ये हर किसी को सीखनी पड़ेंगी, हर किसी को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब ये चीज़ें समझ आने लगेगी तभी आप उस सिद्धों की श्रेणी तक जा सकोगे, आप योगियों से मुलाकात कर सकोगे और उसके द्वार तक जाने के लिए सक्षम हो सकोगे। नहीं तो इस संसार के अंदर इसी प्रकार से भ्रम के कारण से, भय के कारण से भटकते रहोगे, डरे रहोगे, दबे रहोगे, न बोल पाओगे, न समझ पाओगे इन रहस्यों को, क्योंकि जब तक आप इन रहस्यों को नहीं समझोगे, जब तक आपको अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता चलेगा, तो आप ब्रह्मांड का कैसे पता करोगे। आपने सिर देखा होगा इस प्रकार से बना दिया जाता है परमात्मा के द्वारा, कि गोल टाइप में बना दिया गया है, ब्रह्मांड की तरह से बना दिया गया है,
प्रत्येक सिर एक ब्रह्मांड का एहसास कराता है। जो एहसास होता है ये सहस्त्र दल कमल। दो प्रकार के लोग ही ब्रह्मांड के बारे में खोजते हैं, या तो वो वैज्ञानिक खोजते हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य को पता करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दूसरे वो साधक होते हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं और उन रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये दोनों प्रकार के मानव खोज में लगे रहते हैं, लेकिन वो देख आँखों के द्वारा देख सकते हैं जितना उन्हें दिखाई देता है, टेलीस्कोप के द्वारा, उपग्रहों के द्वारा और किसी यंत्रों के द्वारा खोजते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो अपने अंदर में खोजते रहते हैं, अंदर में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अंदर में ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो उन्हें दिखाई देता है, जो सवाल आता है उसका हल करने के लिए वो हर रोज ध्यान में जाते हैं, खोजने लगते हैं और जो खोज प्राप्त होती है उसको लिख देते हैं। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों के ये इतने ग्रंथ हुए, इतने उन्होंने जो देखा, जो पाया, जो समझा, जो अनुभव हुआ वो लिखते चले गए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, साधकों को कुछ सहायता मिल सके। जहाँ से हम गुजरे, जो हमने झेला वो उन्हें ना झेलना पड़े। लेकिन हम उनके मार्ग पर नहीं चलते, हम मनमानी साधना करते हैं, मन मर्जी से साधना की तरफ चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमानी वाणी बोलते हैं, मनमाना अहंकार दिखाते हैं। ये साधक के लक्षण नहीं हैं, ये सेवा करने वालों के लक्षण नहीं हैं, ये तो फंसे हुए घोर संसारियों के लक्षण हैं। जब अंदर में भजन प्रकट होगा, जब अंदर में जागृति होगी, जागृति से पहले ही जब कुंडलिनी शक्ति घूमने लगेगी तो ही अंदर में शांति शुरू हो जाएगी। एकदम से नज़र फिरने लगेगी, एकदम से दिमाग की सोच बदलने लगेगी, अंदर में स्वभाव बदलने लगेगा, प्रेम जगने लगेगा, सबसे प्यार करने लगोगे, सबको अपना मानने लगोगे और अपने प्रेम का जो फैलाव है वो बढ़ाते रहोगे कि ये भी उस परमात्मा का ही है, ये भी हमारे जैसा ही, रंग रूप का भेद नहीं रहेगा, अपने पराये का भेद नहीं रहेगा, परिवार और परिवार के लोगों में कुछ अलग भेद नहीं रहेगा, सब अपने लगने लगेंगे, सबके अंदर अपनापन होगा, प्यार का जो झरना है वो बहने लगेगा, अंदर में जो खेल, जो द्वेष भावना थी वो मिट जाएगी, छोटी छोटी वस्तुओं को देख करके ईर्ष्या नहीं होने लगेगी, आपस में जो मन मुटाव है वो सामने से खत्म होने लगेगा। आप ये समझना शुरू कर दो, जब आप प्रकृति को स्वीकार कर लोगे, जब आप सच को स्वीकार करने लगोगे, जब आप सच को समझने लगोगे, जब आप सच को जानने लगोगे, जब आप सबको अपना मानने लगोगे, जब हृदय में इतने नरम होने लगोगे कि ये बड़ा है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, ये जीव परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग तो यही नहीं मानते कि परमात्मा देख रहा है। आप कोई भी घटना करो, कहीं भी घटना करो, किसी प्रकार से भी घटना करो, चाहे यहाँ करो, चाहे घर में करो, चाहे किसी परिस्थिति में करो, वो सब का सब कुछ उसके नज़रों के सामने है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो वो परमात्मा नज़रें खुली रखेगा और आप कोई बुरा कर्म करोगे तो परमात्मा आँखें बंद कर लेगा। वो परमात्मा है, कोई कबूतर नहीं है कि बिल्ली दिखाई दी और आँखें बंद कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी नज़र प्रत्येक जीव के कर्मों के ऊपर है और वो कर्म को देखता रहता है। कर्म से ही कल्याण है, कर्म से ही चढ़ाई है,
कर्म से ही प्राप्ति है। कर्म ही जीव को उठा करके लेके जाता है, कर्म ही स्वर्ग में ले करके जाता है, कर्म ही नरक में ले करके जाता है, कर्म ही आपको पृथ्वी पर ले करके आया है, कर्म से ही आप हमारे पास आए हो और कर्म ही आपका उस परम तत्व तक ले करके जाएगा। और कर्म जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होंगे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये बड़ा गहरा रहस्य है। उस तक ले करके जाने वाला कर्म है, लेकिन वहाँ जा करके ये कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। और जब तक कर्म शेष रहेगा जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तो आप सावधानी के साथ कर्मों को देखते हुए, कर्मों का ध्यान रखते हुए, कर्मों के ऊपर पकड़ बनाते हुए, आसपास के लोगों को देखते हुए, एक एक चीज़ का ध्यान करते हुए जब आप उस परमात्मा की ओर बढ़ोगे तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस संसार के अंदर भ्रम फैलाने वाले, संतों के नाम के ऊपर आडंबर करने वाले, संतों के नाम के ऊपर खेल खेलने वाले लाखों ऐसे जो साधक भी नहीं है, सिद्ध तो बहुत दूर की बात है, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। कुछ लोग आजकल एक चला हुआ है कि 52 अक्षर माया माही तामे सतनाम नाही नाही नाही, ये बोल करके और बोलते हैं कि मैं 53वां अक्षर देता हूँ या मैं ऐसा शब्द प्रदान करता हूँ जिसे जीवन मुक्ति हो जाती है। उनका पूरा का पूरा पंथ केवल इसी बात के ऊपर निर्धारित है, न साधना के ऊपर निर्धारित है, न ज्ञान के ऊपर निर्धारित है, न और किसी के ऊपर निर्धारित है, बस एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने पूरा पंथ टिका दिया। किस चीज़ के ऊपर? कि मैं अलग से नाम देता हूँ। लेकिन जब आप उनके पास जाओगे ठगासा महसूस करोगे, क्योंकि नाम शब्दों में ही मिल रहा है, अक्षरों में ही मिल रहा है, या लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है। पता चल जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। ये तो बोल रहा था कि वो नाम अक्षरों में आता ही नहीं, और ये तो अक्षर ही दे रहा है हमें। इनका जो भ्रम पैदा करने का जो तरीका होता है वो लोगों से 2 कदम आगे चलते हैं। और भोले भाले जीवों के साथ जो खेल होता है, जो भोले भाले जीव बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, जो भोले भाले जीवों का टाइम ख़राब किया जाता है, जो इन जीवों के साथ खेल करके और इनको छोड़ दिया जाता है, और जिन जीवों के ऊपर परमात्मा ने कृपा करनी होती है वो उसकी साधना से भी दूर कर देते हैं, ऐसे लोगों से अच्छा तो आप घर बैठ करके साधना कीजिए, उस नाम की साधना कीजिए, परमात्मा की साधना कीजिए, ध्यान की साधना कीजिए। समय आने के ऊपर आपको गुरु अपने आप संभाल लेंगे, चाहे शरीर में आकर के संभाले, चाहे वो परमात्मा बिना शरीर के संभाले, आपको ज़रूर संभालेगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। आपको जैसे ही उनकी आवश्यकता होगी उनको आना पड़ेगा, और जब वो आएंगे तो प्राप्ति भी होगी, नाम भी देंगे, साधना का भी रास्ता दिखाएंगे। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन अब मैं मिल गया तुम्हारे साथ हूँ तुम बैठ जाओ। उन्होंने कहा बिना साधना के कल्याण नहीं होगा, सिद्धों की शरण में जाओ, वहीं जा कर के प्राप्ति होगी। बिना सिद्धों के, बिना संतों के वो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रास्ता ही अलग है। जो हमने मान लिया, जो संसार ने मान लिया, जो जीवों ने मान लिया, जिस भ्रम को हम मान करके बैठ गए, जिस भ्रम के कारण हम पिछड़ रहे हैं, जिस भ्रम के कारण हम उस सच्चे बादशाह से दूर होते चले गए, अब उन चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने अंदर में प्रेम पैदा करो, सुमरण पैदा करो,
पात्रता बनाओ, ध्यान करो। मैं ये बार बार इसलिए शब्दों का प्रयोग करता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जब आप इन शब्दों का सार समझने लगोगे और इनके अनुरूप चलने लगोगे, एक एक शब्द का भार, एक एक शब्द का महत्व, एक एक शब्द की अहमियत आपके समझ जब आने लगेगी, आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे, नेत्रों से झरझर आंसू अपने आप गिरने लगेंगे, क्योंकि प्रेम का प्रवाह रोके नहीं रुकता है। विरह की अग्नि जब जागृत होती है, परमात्मा की कृपा से ही विरह की अग्नि जागृत होती है, क्योंकि विरह की अग्नि ऐसे जागृत नहीं होती। विरह की अग्नि उसकी दया के बिना, उसके भेजे हुए दूत के बिना, उसके भेजे हुए संदेश के बिना, उसके रखे हुए हाथ के बिना, उसके ने जो दया दृष्टि बनाई, जो जीव के ऊपर नजरें गेरी, जो उन्होंने अपनी एनर्जी वहाँ भेजी, तो जीव को विरह लग जाती है। जीव रोने लगता है उस परमात्मा के लिए, छटपटाने लगता है। जिस प्रकार से मछली बिना जल के तड़पती है, उसी प्रकार से ये जीव तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है और न रोके हुए रुकता है। न उसे समाज का भय होता है, न शर्म होती है, न मर्यादा होती है, न लज्जा होती है, न किसी प्रकार की फिक्र होती है, न कुछ दिमाग में शब्द होते हैं, न कुछ पाना होता है। बस एक ही चीज़ के ऊपर दिमाग अटक गया कि मुझे चाहिए तो मेरा प्रीतम चाहिए, मेरा परमात्मा चाहिए, उसके बिना ये आंसू नहीं रुकेंगे। या तो शरीर छूट जाएगा जिस प्रकार से मछली का होता है, किया तो जल में उठा करके डाल देंगे, नहीं तो शरीर छूट जाएगा। वही हालत विरही जीव की हो जाती है। वही हालत इस संसार में जो छिपे हुए भक्त होते हैं, छिपे हुए प्रेमी होते हैं, छुपे हुए उस परमपिता के साधक होते हैं, जो उसको पाने के लिए इतना तड़पते हैं, उनके अंदर इतनी ही प्यास की जो तड़प होती है वो शुरू हो जाती है। जब तक ये प्यास की तड़प शुरू नहीं होगी, परमात्मा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कितना भी जोर लगा लो, कोई ये सोचे कि मैं से कैसे परमात्मा को मिल लूँगा या मिल लूँगी, कि आएंगे और मिल लेंगे, बैठेंगे मिल लेंगे, नहीं। ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजर करके जाना पड़ेगा। उसकी कृपा तभी होगी, आंसू उसके चरणों में गिराने पड़ेंगे, उसके लिए रोना पड़ेगा। रोना कोई फॉर्मेलिटी से नहीं, कोई ये नहीं कि कोई देख रहा है तो तब हम रोने लगे कि हाँ अब परमात्मा आ रहे हैं, मुझे आवश्यकता है। वो रोना ही अलग होता है, वो चिल्लाना भी अलग होता है, वो खेल भी अलग होता है, वो बुद्धि भी अलग होती है, वो प्रेम भी अलग होता है, वो ध्यान भी अलग होता है। उस समय के ऊपर पलकें बिछा दी जाती हैं, पलक झपकती नहीं, रोक दी जाती हैं। इतनी ताकत होती है उस प्रेम की डोर के अंदर, परमात्मा खींचे चले आते हैं, आपके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, आपके अंदर जागृति आने लगती है। परमात्मा कोई बाहर से आकर के आपको रोकेंगे नहीं कि रुक जाओ, मैं आ गया या मैं प्रकट हो गया या पलने को हिला दो, मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। सब व्यर्थ की चीज़ें लगने लगेंगी, संसार की, शरीर भी व्यर्थ लगने लगेगा, परिवार भी व्यर्थ लगने लगेगा, संसारिक वस्तुएं नहीं सुहाएंगी, सब कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ों से एकदम से दूर हो जाओगे। कितनी ही सुविधाएं हो, सबसे दूर हो जाओगे। हमारे संत महात्माओं को देखो, राजपाट छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, महल स्त्रियां त्याग करके, स्वर्ण के पलंग त्याग करके, सब कुछ कहाँ तपस्या की उन्होंने, जंगलों के अंदर, कांटों के अंदर नंगे पैरों चले, कौन सा आनंद था वो।
आज भी साइंटिस्ट खोज रहे हैं कैसे ये हो रहा है। उन्होंने अपने तरीके से खोज की है, हमारे संत अपने तरीके से खोज कर रहे हैं और की भी है। जो हमारे संतों ने खोज की आज तक उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कैसे एक आदमी समाधि में 100-100 वर्ष बैठा रहता है, कैसे बैठे बैठे 70 वर्ष निकल गए, न भोजन की आवश्यकता, न चलने की आवश्यकता, न दैनिक क्रियाओं की आवश्यकता, न सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता, न कुछ भी प्रकृति में जो सांसारिक चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता, न आँख खोलने की आवश्यकता। और जो ही आँखें खोली उठ करके चल दिए, शरीर ने काम शुरू कर दिया। कौन सी एनर्जी वो काम कर रही है, कौन सी सेंसेशन है जिससे इतनी जागृति हुई 70 वर्ष बैठे रहे। आप 2 दिन बैठ करके देखो एक जगह के ऊपर, उठ करके चलोगे पैर अलग से दर्द करने लगेंगे, हाथ अलग से दर्द करने लगेंगे। अरे आपकी तो ये हालत है, 1 घंटे में शरीर के अंदर दर्द इतना होने लगता है, 1 घंटा तक पूरा नहीं कर पाते। वो हमारे योगी लोग 100-100 वर्ष बैठे रहे, क्या उन्होंने पाया, कैसी उन्होंने साधना की, कैसे उन्होंने टेक्निक ऐसे इस्तेमाल की, क्या कोर्स किया, उनके गुरु ने क्या उन्हें ऐसा दे दिया, कौन सी नाम की जड़ी दे दी कि उन्होंने प्राप्त की और ध्यान लग गया और खो गए उस ब्रह्मांड के अंदर, कि उन्होंने अपने को इस ब्रह्मांड से जोड़ लिया, कि ऊपर से एनर्जी आ रही है उसको ग्रहण करना सीख लिया। अगर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करना जब आपको आ जाएगा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करना आ जाएगा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पात्र बन जाओगे, आपका सहस्त्र दल खिल जाएगा, तो सांसारिक वस्तुओं की कम आवश्यकता होगी, भोजन की कम आवश्यकता होगी, विषय वासनाओं की कम आवश्यकता होगी। जब चाहोगे आप उससे जोड़ दोगे, जब चाहोगे उससे अलग होकर के संसार में आ जाओगे। जब वो टेक्निक आपको आ जाएगी, जब आपको वो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी आ जाएंगी, जिस प्रकार से एक उपग्रह को देखो आप, धरती के साथ भी जुड़ा हुआ है, आकाश के साथ भी जुड़ा हुआ है, उसका जुड़ाव रहता है। नीचे से हम कोई काम करते हैं, वो ऊपर काम करता है, ये तो सांसारिक चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है ये भी इसी प्रकार से है। ये उस समय का है जब ये साइंस की खोज नहीं हुई थी, जब साइंस का पता नहीं था, तो ये साइंस और प्रकृति प्रत्येक मानव के जीवन को प्रभावित करती है, वो सबके लिए बराबर ही प्रभाव होता है। जिस प्रकार से आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हुआ वो विचार रूप ले लेता है, आप उसके ऊपर काम करते हो, मेहनत करते हो, खोज करते हो, टाइम लगाते हो, कई बार तो पीढ़ियां पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, करोड़ों अरबों लोगों की जीवन की सुविधा बन जाती है। जिस प्रकार से डॉक्टर की दवाइयों की औषधियों की खोज हुई, मशीनों की खोज हुई, जिस प्रकार से आपके फोन की खोज हुई, प्रत्येक मानव के जीवन को ये प्रभावित करते हैं। अगर आप 100 वर्ष पहले ये बात बोलते कि ऐसी बात होती है, वहाँ से नंबर मिलाया, वहाँ मिल गया, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते, 50 साल पहले तक भी मानते ये तो बेवकूफ़ है, कैसी कैसे बातें कर रहा है, क्या कल्पनाएं कर रहा है। लेकिन आने वाला समय इससे भी स्पीड से होगा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आने वाला समय ऐसा होगा, अब तो आप जा करके बटन दबाते हो या टच करते हो तो लाइटें ऑन होती हैं। आने वाला समय ऐसा होगा, आपके मन में आएगी लाइटें ऑन हो जाएगी, आप सोचोगे गाड़ी की खिड़की खुल जाएगी, गाड़ी चलने लगे, हाथ नहीं लगाना, बस सोचना मात्र है, सोचने से सब कार्य होने लगेंगे। यह आने वाले समय का वर्णन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पुरानी बातों का ही पता चलता है,
मैं सामने बस देखता रहता हूँ, बोलता नहीं, लेकिन जो बोलते हैं वो ऊपर वाला जो संदेश देता है, जो अपनी किरणें भेजता है, जो अपने मैसेज भेजता है, उसी प्रकार से वर्णन कर दिया जाता है। जब आप उसी प्रकार से उसके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, आप उसको समझने लगेंगे, आप उसको पा लोगे, पाने का प्रयत्न करोगे, उसके ऊपर खोजबीन करोगे, काम करोगे, उस सच्चे बादशाह के ऊपर अपना समय दोगे, उसके लिए अपना समर्पण करोगे, भाव से जो खेल शुरू होगा, जो आपके प्रेम के साथ चलेगा, और जो ये प्रेम से सींचोगे उस भक्ति के वृक्ष को, कोई रोक नहीं सकता आपको प्राप्त करने से। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से संसार के अंदर फंसे रहे, विषय वासनाओं के अंदर फंसे रहे, एक दूसरों के कमियां छोड़ करके अपनी कमियों को खोज करो, अपने मन को टटोल करके देखो क्या छुपा रखा है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने सुदामा की पोटली टटोल करके देखी क्या छुपा रखा है, उसी प्रकार से आप अपने मन की पोटली को टटोल करके देखो कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या दबा हुआ है, क्या हमें पाना है, क्या इसके अंदर शेष रह गया है। सब कुछ निकाल निकाल करके, चुन चुन करके निकाल दो। आपने फोन देखा होगा, आप कोई भी मुझे एक बता रहा था कि जो लोग चीज़ें देखना शुरू करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। किसी भी विषय की, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, उसी प्रकार की चीज़ें ये सामने दिखाने शुरू कर देते हैं सारे के सारे फोन। उसी प्रकार से सोचो ये कितने गहरे बने हैं। मानव का मस्तिष्क भी इसी प्रकार से है, मानव का दिमाग भी इसी प्रकार से है। जो सोचते हो, जिस प्रकार की इच्छा करते हो, जिस प्रकार के शब्द ग्रहण करते हो, जिस प्रकार की चीज़ें अंदर में खींचते हो, उसी प्रकार के लोगों के साथ मिलान करा देता है। हमारे पूर्वज बोलते भी थे, बूढ़े बुजुर्ग बोलते भी थे कि अपने संग का तो गंगा जी के ऊपर भी ढूंढ लेते हैं, कहीं भी जा करके अपने साथी को ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार के लोग उनको मिल जाते हैं। ये क्यों होता है? ये ऐसे ही मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। उन्होंने देखा नज़दीक से जा करके कि इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा चरित्र है। जिस प्रकार से आप एक शराबी को कहीं भी छोड़ दो, उसी प्रकार से वहीं जा करके शराबियों को ढूंढ लेगा। किसी भी प्रकार से नशे करने वाले को देखो, दूर से आंखें देख करके बता देगा ये मेरी क्वालिटी का आदमी है, इसके पास बीड़ी जरूर मिलेगी, जा करके मांगेगा। ये हालत जीवों की है, ये रचनाएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, हमारी सुविधा के लिए लिख लिख करके, बोल बोल करके, पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक लोकोक्ति मुहावरे बना करके समाज में पेश कर दिए। लेकिन हम इनका अर्थ न समझ करके वैसे ही इनका बस प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन हम इनकी जड़ों तक जा करके इनको समझते नहीं, इनकी खोज नहीं करते, इनको महत्व नहीं देते, और ज़्यादा समय इनके ऊपर खराब नहीं करते। अगर हम समझेंगे, महत्व देंगे, तो एक एक शब्द हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का, सिद्धों से जो वाणी आती है वो साधकों में आती है, ऋषियों में आती है, साधकों से जो वाणी आती है वो साधक जब गांव के अंदर भिक्षाटन के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, वो वाणी सांसारिक लोगों को दे करके आते थे, उनसे साधकों से, ब्रह्मचारियों में, ब्रह्मचारियों में, गृहस्थियों में, इस प्रकार से हमारी ये सिद्धों की वाणियाँ फैल जाती थी, पूरे संसार के अंदर फैल जाती थी, और प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव वही वाणी बोलने लगता था जो हमारे सिद्ध बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये खेल चलता है। जब आप इसको गहराई से इन वस्तुओं के ऊपर काम करोगे,
ध्यान करोगे, एक एक शब्द को ले करके अंदर में उतर जाओगे। अंदर में उतरना ये नहीं कि मुंह के अंदर से खा जाए और फिर अंदर में उतर जाए, ध्यान के द्वारा अंदर में उतरेंगे। शब्द को ले करके ध्यान में बैठ जाएं और शब्द की खोज करें। मानव अपने आप ध्यान करता रहता है, ये नेचर है मानव का। ये वो ध्यान होता है जो बिना लगाए बिना प्रयास के होता है, किसी भी बात को लेकर के आप उसी पॉइंट के ऊपर अटक जाते हैं। कोई आपके साथ गलत कर दे, उसी को दिमाग में घुमाते रहते हैं। कोई आपको ले करके कोई बहुत सही कर दे, आपका कोई अच्छा काम करते, आप इंटरनली जो है वो खुशी आ जाए और आप ये महसूस कर बड़ा काम किया इन्होंने, तो पूरा दिन वही बात दिमाग में घूमती रहे, ये ध्यान है, बिना प्रयास के ध्यान है। ये चलता रहता है, प्रत्येक मानव के साथ चलता है। लेकिन दूसरी श्रेणी का जो ध्यान होता है वो प्रयास किया जाता है, संतों से सुन करके, पुस्तकों से पढ़ करके, सिद्धों को देख करके, भजन करते हुए देख करके, मंदिरों को देख करके, किसी भी प्रकार से प्रयास किया जाए कि हाँ साधना कर रहे हैं हम, और साधना शुरू कर दी। अगली श्रेणी का जो ध्यान होता है वो इन बाहरी वस्तुओं को छोड़ करके केवल नाम के ऊपर स्थिर कर दे। उससे अच्छी श्रेणी का जो ध्यान होता है वो नाम भी पीछे छूट जाता है। उससे भी अच्छी श्रेणी का ध्यान जो होता है वो ये होता है, ना कुछ करना, ना पाना, ना खोना, ना प्राप्त करना, और हर समय एज पर जाप चलता रहे। कुछ भी करते हुए कोई गाने लगे वहाँ ध्यान लग जाए, कोई बोलने लगे वहाँ ध्यान लग जाए, एहसास हो कि अरे क्या बोल रहे थे, फिर पूछे क्या कह रहे थे आप, फिर समझ में आए कि अरे कहाँ खो गए थे, कहाँ गए थे, कि नहीं था तो यही बस झटका लगा। तो इस प्रकार का जो ध्यान होता है वो उत्तम श्रेणी का ध्यान होता है। तो ये ध्यान के ऊपर जब गहरा काम करोगे, ध्यान को समझने लगोगे, सांसों के ऊपर पकड़ करो, किसी भी प्रकार से कम 500 सांसों के ऊपर तो पकड़ करो। अपने 521,600 सांस लेते हो हर रोज, इनमें से कम 1,500 सांस तो अपने लो कि अपनी मर्जी से चले और अपनी मर्जी से उनका उपयोग कर सके, कि उनकी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सके, हम अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। कम से कम 1,000 सांसों पे तो हमारी पकड़ हो कि चाह करके भी ना हिले, जहाँ जैसे सांस लेना है वैसे ले, जहाँ तक ले करके जाना वहाँ तक गहरा लंबा ले करके जाए, जैसे छोड़ना है वैसे छोड़े, फिर मन हिलाए नहीं हिलेगा। जो ये लोग बोलते हैं मन नहीं लगता, भूल जाओगे। जो ये लोग बोलते हैं पैरों में दर्द होता है, भूल जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं पूर्णिमा पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं जिससे मेरा कष्ट और रोग मिट जाए। आप लोग भ्रम के अंदर हैं, भूल के अंदर हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से सत्संग के विषय में खोज की। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पौनी आज, तुलसी साध संगत से कटे कोट कोट अपराध। कि आधी घड़ी से भी आधी घड़ी अगर सत्संग मिल जाए, सत्य का संग मिल जाए, तो करोड़ों करोड़ अपराध कट जाते हैं, करोड़ों करोड़ पाप और कर्म निपट जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे संत बोल रहे हैं, जिनकी वाणियों को हम पढ़ करके गर्व को प्राप्त करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। जिन्होंने वर्णन किया उस साधना का, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचनाएं की, जिनको जितना जिसमें सामर्थ्य है उतना उससे निकाल ले, जो जितना पात्र है, जिस प्रकार से इस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के खनिज छुपे हुए हैं, अनेकों प्रकार के ऐसक छुपे हुए हैं, अनेकों प्रकार के पदार्थ छुपे हुए हैं,
जिसके अंदर जितनी अक्षमता होती है, जिसके पास जैसी टेक्नोलॉजी होती है, जैसी मशीनें होती हैं, जिसका साइंस जितना मजबूत होता है, वो उतने ही पदार्थ निकाल लेता है और उतना ही ज़्यादा उपयोग करता है। उसी प्रकार से जिसके अंदर जिसका विकास, बौद्धिक विकास जितना ज़्यादा हुआ, जिसका आध्यात्मिक विकास जितना ज़्यादा हुआ, जिसका योग बल जितना मजबूत है, जिसका सामर्थ्य जितना ज़्यादा है, वो उतना ही इन चीज़ों के अंदर से निकाल करके, खोज करके और पान करता है, प्राप्त करता रहता है और सार को समझ लेता है। तो आप इस सार को समझते हुए, ध्यान करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का, उस परम तत्व का ध्यान करते हुए श्वासों के ऊपर पकड़ बनाइए। और अगला जो प्रोग्राम होगा वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, 3 तारीख का प्रोग्राम होगा, सोमवार को। और उसी दिन आपको पता ही चल गया होगा कि कई प्रकार के प्रोग्राम हैं, उत्सव है, तो उस दिन विशेष होता है। कुछ लोग अपने लिए आते हैं, कुछ लोग साधना के लिए आते हैं, कुछ लोग ज्ञान के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रेम के लिए आते हैं, कुछ लोग ध्यान के लिए आते हैं, कुछ लोग कष्टों को के निवारण के लिए आते हैं, कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए आते हैं। इन सब का जो तालमेल होता है वो गुरु के साथ होता है। और ये गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के द्वारा, जिन्हें गुरुपद प्राप्त हुआ, हमारे सिद्धों के द्वारा, जिन्होंने गुरु धारण किए, आदि गुरु बनाए, उनके द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आप सब 3 तारीख को, मैं नहीं कहूँगा, आप आइए, आप समय देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपका प्यार, जुड़ाव, प्रेम होगा तो मुझे बोलने की फिर आवश्यकता नहीं रहती। आप ध्यान कीजिए, परमात्मा का सुमरण कीजिए, आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।